क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सभी पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। फॉर्मूला है Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। यहाँ पे जो a है उसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म, d का मतलब कॉमन डिफरेंस, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, Sn जो ये फॉर्मूला है Sn उसका मतलब होता है सम अप टू n टर्म्स। ये फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स आपने शुरू से ही कर रखा है, एक्सरसाइज 5.1 में भी किया था, 5.2 में भी किया था। और यहाँ पे एक नई बात है Sn जो कि सम बताएगा n टर्म्स तक का। इसके बाद Sn के लिए ही दूसरा फॉर्मूला भी है, यह n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। तो l यहाँ पे नया चीज़ है, l का मतलब होता है लास्ट टर्म। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो लास्ट टर्म दिया रहेगा, आखिरी का जो वैल्यू होगा वही हमारा लास्ट टर्म है। इसके बाद ये जो फॉर्मूला है an इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो कि हमने एक्सरसाइज 5.2 में यूज किया था, वो भी किसी किसी क्वेश्चन में जरूरत आ सकता है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs। APs का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। फर्स्ट पार्ट में है 2,7,12,2,10 टर्म्स। यहाँ पे हम a की वैल्यू देखें, a हमारा फर्स्ट टर्म होता है, तो पहला नंबर क्या है 2, इसका मतलब a इक्वल टू 2 हो गया फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस d मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर देंगे, वो हमारे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो ये है 7-2 तो हो गया 5। अब n की वैल्यू दे रखा है 10, करेक्ट। ये सम करना है कहाँ तक, 10 टर्म्स तक, मतलब n इजकल टू 10 हो गया। और ये जो क्वेश्चन है सभी के लिए फाइंड द सम, इसका मतलब Sn इजकल टू व्हाट, Sn ही सम है। तो Sn की फॉर्मूला देखें तो ये होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे सारे वैल्यूज गिवन है, जैसे n की वैल्यू कितना है 10, तो वहाँ पे n की जगह पे 10 रख दिया, a की जगह पे 2 लिखेंगे, फिर से n आ गया, n की जगह पे 10 माइनस 1 तो फॉर्मूला वाला है, और d है यहाँ पे 5। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व कर दे वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये 10 बाई 2 क्योंकि 2 से 10 कटेगा इसलिए हमने इसको पहले ही सॉल्व कर लिया, 5 दे दिया, 2 इंटू 2 4 हो गया और 10 माइनस 1 9 हो गया, और इंटू 5 तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, ये हो गया 4 और 9 इंटू 5 45, 45 को 4 ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 245। यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, ये है -37, -33, -29 up to 12 टर्म्स। तो पहले a, d और n की वैल्यू लिख लें। तो a कितना है, a तो सबसे आसान काम होता है, जो पहला नंबर है वही a है फर्स्ट टर्म, ये -37 हो गया। और d क्या करते हैं, सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करते हैं, तो सेकेंड नंबर है -33, फर्स्ट नंबर है -37। ये बीच में हमने माइनस किया है, किसको, -33 में से हम माइनस किए हैं -37 को, तो क्योंकि ये माइनस माइनस दोनों हैं तो ये प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा -33 + 37, इसका मतलब 4 हो गया ये। और n की वैल्यू 12, Sn इक्वल टू व्हाट, Sn ही फाइंड करना है हमें। फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये बिल्कुल ही याद कर लो। इसके बाद यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, n की वैल्यू 12, 2 अपॉन में है और 2a है, मतलब 2 इंटू a की वैल्यू लिखना है -37, n की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए है 12, -1 फॉर्मूला वाला, और d की वैल्यू 4, इसको सॉल्व कर देंगे हो जाएगा आंसर। तो 12/2 6 हो गया, 2 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 74, आगे माइनस का साइन है क्योंकि 37 के सामने में माइनस है इसलिए लगा दिया। अब 12-1 11 हो गया इंटू 4, 11 × 4 होता है 44। अब 74 माइनस है और प्लस 44 है, इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा -30, क्योंकि नेगेटिव वाला नंबर ज़्यादा है इसलिए हमें नेगेटिव रखना हुआ। और 6 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा
180, माइनस है 30 के साथ, इसलिए ये माइनस 180 के सामने में आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है इसका 0.6, 1.7, 2.8, ... 200 टर्म्स। यहाँ पे भी वैसे ही ए डी और एन की वैल्यू लिखे, तो ए है फर्स्ट टर्म 0.6, डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1.7 माइनस 0.6 हो जाएगा 1.1, और एन की वैल्यू 10, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट ही गिवन है 200 टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 100, और एस एन इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला याद हो गया होगा अभी तक, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सभी वैल्यूज लिखते चले, सॉल्व करेंगे, एन की वैल्यू 100, ए की वैल्यू 0.6, एन की वैल्यू 100 और माइनस वन फार्मूला वाला, डी की वैल्यू 1.1, ये 100 बाई टू 50 हो गया, 2 इंटू 0.6 1.2 हो गया, 100 में से 1 को माइनस करेंगे तो 99 हो जाएगा, और 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देखना ये 108.9 होगा, इसमें हम 1.2 को ऐड करना है हमें, तो जाएगा 110.1, मतलब 110.1। अब इसको मल्टीप्लाई करना 50 से, तो यहाँ पे ये जीरो हट जाएगा क्योंकि पॉइंट है, आप ये रख लो कि 1101 में 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 5505। यही हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला रखने के बाद वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना है, बस इतना ही काम है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, ये अपोन वाला क्वेश्चन है, ये 1/15, 1/12, 1/10, ... 211 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 1/15, पहला जो नंबर रहता है वही फर्स्ट टर्म होता है। अब d मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है हमारा 1/12, फर्स्ट टर्म है हमारा 1/15, इसको माइनस करेंगे तो एलसीएम लेना होगा, ये 12 एंड 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद 5 माइनस 1 हो गया, ये हो गया 1/60, ये हमारा d की वैल्यू हो गया 1/60। n है 11, डायरेक्ट गिवन है, sn की वैल्यू हमें चाहिए, फॉर्मूला लिखते हैं sn का, n बाई 2 इंटू 2 ए प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब वैल्यूज लिखते चले, n की जगह पे 11, a की जगह पे ये 1/15, n की जगह फिर से 11 और इंटू ये d की वैल्यू है 1/60, क्योंकि ये कटेगा नहीं, 2 से 11 नहीं कटेगा, इसलिए हमने 11/2 ही लिखा। अब ये 2 इंटू 1/15, पहले इसको सॉल्व करते हैं, 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा और ये हो गया 1/60। अब 2 इंटू 1/15 ये हो गया 2/15 और ये 0 0 काट दो तो ये हो जाएगा 1/6। इस ब्रैकेट में जो नंबर है उसको हम सॉल्व करेंगे, तो पहले हम एलसीएम ले लें, तो 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30। अब इसको सॉल्व कर दें हम, तो ये 4 + 5 ये हो गया 11/2 और ब्रैकेट के अंदर हो गया 9/30, ये 3 से कट जाएगा, 3 से 9 को काटेंगे तो 3 रह जाएगा और 3 से 30 को काटेंगे तो 10 रह जाएगा, तो ये हो गया ब्रैकेट के अंदर 3/10। अब इधर मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम नहीं लेना होता है, ध्यान रखना, सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 इंटू 3 33 और 2 इंटू 10 20, तो ये 33/20, ये हमारा आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। पहला पार्ट है इसका 7 + 10 1/2 + 14 + ... + 84। यहाँ पे ए की वैल्यू है 7, डी की वैल्यू कैसे करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना है 10 1/2, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करो, तो 10 2 = 20 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो 21/2 और माइनस कर दो 7। इसमें से 2 हमने एलसीएम ले लिया और 21 - 14 हो जाएगा, तो 21 - 14 कितना होगा 7/2, तो डी की वैल्यू आ गया हमारा 7/2। और ए एन मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को एन भी लिखते एल भी लिखते हैं, तो ये हो गया 84 और एस एन की वैल्यू हमें चाहिए, तो एस एन की फॉर्मूला यदि देखा जाए तो हमने पूरा क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स थे उसके सभी सॉल्व कर लिया है और ये फॉर्मूला हमें याद हो भी गया है। अभी एस एन इक्वल टू होता है कितना, एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि हम ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो हमें एन की वैल्यू चाहिए, लेकिन इसमें जो वैल्यूज गिवन है वो एन कहीं पे भी दिखाई नहीं देता, इसका मतलब है कि पहले हमें एन की वैल्यू फाइंड करना होगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, डायरेक्ट नहीं है कि फॉर्मूला हम लगा दें एस एन की, तो अब पहले तो हम एन फाइंड करते हैं। देखो ये एन फाइंड करना
यहाँ पे पूछा नहीं है, लेकिन हमें SN फाइंड करने के लिए N चाहिए, इसलिए पहले हम N फाइंड करेंगे, पहले N की वैल्यू पता करेंगे। तो N की वैल्यू A प्लस N माइनस वन इंटू डी, जब हमने फार्मूला सिखाया था आपको तभी बोला था कि ये फार्मूला भी कभी कभी आएगा, तो आ ही गया। और N की वैल्यू 84, A की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए 7, N की वैल्यू हमें चाहिए और D की वैल्यू 7/2। अब 84 में से 7 को माइनस कर देंगे, मतलब 7 को दूसरी तरफ कर दिया, माइनस हो गया, और 84 माइनस 7 हो गया 77। इधर का ये जो 2 है वो अपॉन में है, तो इक्वल के दूसरी तरफ करेंगे तो इनटू में आ जाएगा, और इधर जो है ये 7 ऊपर में, मतलब मल्टीप्लिकेशन में, तो इस तरफ आकर के नीचे में हो गया, मतलब जो ऊपर का नंबर है वो नीचे हो गया, नीचे का नंबर ऊपर हो गया जब हम इक्वल साइन के दूसरी तरफ नंबर को सेंड किए। 77/7 कितना हो जाएगा 11, और 11 इंटू 2 तो हो गया 22, इक्वल टू हो गया n माइनस 1, इस 1 को दूसरी तरफ कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये हो गया 22 + 1 = 23, इसका मतलब n की वैल्यू कितना गया 23। अब हमें SN की फॉर्मूला लिख लेना चाहिए पहले, तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू हमने पता किया है तो ये 23, और 2a तो a की वैल्यू कितना है 7, और प्लस n हमें पता हो गया 23, और d की वैल्यू 7/2, मतलब फॉर्मूला लिखने के बाद सारे वैल्यूज हमने लिख दिया। सॉल्व करते चलेंगे हम, 23/2, 2 इंटू 7 को 14 लिख दिया, 23 - 1 22 हो गया, और 7/2 लास्ट का रह गया, इस 2 से उस 22 को काट दें तो ये जगह 11, और बाकी सारे नंबर्स अभी हमने कुछ नहीं किया वो है ही। अब 11 × 7 = 77, उसके बाद हम 77 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 91। अब देखो यहाँ पे नंबर कटने वाला कोई नहीं, हमें 23 को 91 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं इधर, देखो ये 91 × 23 है, तो 3 से जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 कैरी आया नहीं, और ये 3 × 9 तो 9 × 3 = 27, और इसके बाद ये 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 2 × 2 फिर से कैरी नहीं है, और 9 × 2 = 18, नंबर को जोड़े तो ये 3 हो गया, और 7 + 2 = 9, और 2 + 8 = 0, मतलब 10 हो गया, 10 का 0 और कैरी 1, और 1 इसके साथ ऐड होकर 2 हो जाएगा, इसका मतलब जब 91 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2093, मतलब 2093 आ गया, और ऊपर में 2093 आ जाएगा, नीचे का 2 है। अब इसको डिवाइड करें, डिवाइड करना भी आसान है, 2 से क्या करेंगे, हाफ हाफ करते चलो नंबर को, जैसे ये 2 है तो 1 हो जाएगा, 0 रह गया, और ये 4 × 8 हो गया, 1 रह गया रिमाइंडर, और ये 13 तो 6 × 12, अब 1 फिर से रिमाइंडर रह गया तो ये 0.5, मतलब 1046.5 ये हमारा आंसर हो गया। मैं एक बात यहाँ पे ये कह दूँ कि ये जो फॉर्मूला था SN = n/2 × a + l, ये लगा के भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास L की वैल्यू है, L क्या था लास्ट टर्म कितना है 84, तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, यदि ये फॉर्मूला याद नहीं है तो इसी से काम चला लो बड़े वाले फॉर्मूला से, यदि ये छोटे वाला याद है तो इससे बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे वैल्यूज रख रहा हूँ, एन की वैल्यू कितना था, क्योंकि ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है, तो एन की वैल्यू है 23, तो 23/2 लिख दे, और ए की वैल्यू पहले से ही पता हमें 7, वो देखने से भी लगता है ए की वैल्यू 7 है, और L है लास्ट टर्म 84, बस इतना सा ही सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 23/2, और ये 7 + 84 = 91 हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, ये इतने लिखना पड़ने के बाद हमें ये 23/2 × 91 मिला था, ये इतने से ही दो लाइन में ही मिल गया। अब इसके बाद तो ये सेम हो जाएगा, 23 × 91 हमने यहाँ पे कर रखा था, ये होता है कितना 2093, और अपॉन में 2, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड करने के बाद हमें कितना मिलेगा 1046.5, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोनों तरीके से आसान होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना है, यदि आपको याद है तो ये बेस्ट तरीका है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, ये 34 + 32 + 30 ... +10, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 34, डी की वैल्यू 32 - 34 - 2 आ गया, ए एन की वैल्यू, एन का मतलब लास्ट टर्म जो कि
टेन है, मैं ए एन और एल दोनों एक ही बात होता है, लास्ट टर्म को ही ए एन बोलते हैं और एल भी लास्ट टर्म है, एस एन इक्वल टू व्हाट, तो क्योंकि हमने सेकेंड पार्ट करना शुरू किया है तो हमें पता है कि एन की वैल्यू चाहिए, तो पहले हम ए एन की फॉर्मूला लगाकर एन की वैल्यू पता कर लेते हैं। ए एन है यहाँ पे 10, ए की वैल्यू 34, एन चाहिए और डी की वैल्यू -2। इस 34 को उधर कर दे तो माइनस में आ जाएगा, ये 10 - 34 कितना होगा -24, और इधर ये एन -1 - -2 ये शुरू से चलता ही आ रहा है हमारे साथ, इस -2 को दूसरी तरफ कर दें तो ये हो जाएगा -24 - -2, -1 कैंसिल करके ये 12 हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस वन, ये 1 को उधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है, तो 12 + 1 = 13, तो एन की वैल्यू आ गया 13। अब एस एन की फॉर्मूला याद कर रखें, n/2 × 10 + n-1 × d, एन हमने फाइंड कर लिया 13 आया है, ए की वैल्यू 34 है, एन यहीं से फिर से दोबारा बार यहाँ भी एन है यहाँ भी एन है तो ये 13 ही है, और डी की वैल्यू -2, 13/2, और इसको मल्टीप्लाई करें 34 को 2 से तो 68 हो जाएगा, 13 में से 1 घटा दो तो 12 हो जाएगा और -2 आखिर में है यहाँ पे। अब ये 68 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24, तो 68 में से 24 को घटाओ तो ये 44, अब ये इसे कट जाएगा, ये हो जाएगा 44/2 मतलब 22, और बाहर का ये 13 है ही, अब हमें इसको 13 से मल्टीप्लाई करना होगा 22 को, तो ये बिल्कुल आसान सा काम है, 13 × 22, तो 2 × 3 = 6 और 2 × 2 फिर से 2 × 3 = 6, कैरी आर नहीं रहा है तो ये 2 × 2, अब 6, 2 और 6 को ऐड करें तो 8 और 2 मतलब 286 हो गया, और ये हमारा आंसर है। अब एक बार फिर से वो एल वाला फार्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, SN = n/2 × a + l, एन की वैल्यू कितना 13, ये यहाँ से फाइंड करके रखा था हमने, ए की वैल्यू 34 और एल की वैल्यू है 10, रख दिया यहाँ, देखो 13/2 और 34 + 10 44 हो गया। अब देखो एक ही बार में यहाँ पहुँच गए हम, हमें इतने करने की जरूरत नहीं पड़ा, अब ये हो गया 13 × 44/2, ये काट दो इसको तो 13 × 22, और हमें पता है इसका आंसर होता है 286, तो यही हो गया आंसर। इसका थर्ड पार्ट देखें तो ये -5 + (-8) + (-11) + (-230), ये सारे नंबर्स को ब्रैकेट में इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि ये निगेटिव नंबर्स है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितना हो जाएगा -5 और डी कितना होगा, ये सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो ये -8 और -5, तो देखो ये -8 और ये वाला माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास ये सिंपल सा काम हो गया -8 + 5, तो कितना हो जाएगा -3, तो ए की वैल्यू -5 और डी की वैल्यू -3, ये दोनों मिल गया। अब हमें ए एन की वैल्यू है कितना -230 और एस एन चाहिए, तो हमें पता है पहले एन पता करना होगा, एन गिवन नहीं है तो फॉर्मूला लगा दें, (an = a + n-1) × d, ए एन की वैल्यू लिखते चले -230 और ए की वैल्यू है -5, n-1 क्योंकि n ही पता करना है तो n की वैल्यू अभी लिखे कैसे, d की वैल्यू है -3, अब इस -5 को दूसरी तरफ करते हैं तो प्लस में आ जाएगा, -230 + 5 कितना हो जाएगा -225 और ये n-1 × -3, इसके बाद इस -3 को हम दूसरी तरफ करें तो यहाँ पे इंटू में है तो वो उधर डिवीजन में हो जाएगा, ये हो गया n-1 = ये वैल्यू, ये -- कटेगा और 225 3 से कट जाएगा, ये जगह 75 मतलब 75 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225, ये -1 को दूसरी तरफ करते प्लस में हो जाएगा और ये n की वैल्यू हो गया 75 + 1 = 76, इसका मतलब n की वैल्यू 76 आ गया। अब हम Sn की वैल्यू याद करें, फॉर्मूला है n/2 × 2a + n-1 × d, सभी वैल्यूज लिख दे चलें, n की वैल्यू हमने फाइंड किया है 76, a की वैल्यू है हमारे पास -5, n की वैल्यू 76 और d की वैल्यू -3, अब यही सॉल्व करना रह गया इन नंबर्स की काम, 2 × -5 - 10 देगा, 76 में से ये घटा देंगे तो 75 रह गया, ये -3 है ब्रैकेट वाला उधर और ये -10 और इनको मल्टीप्लाई करो 75 को 3 से तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 कैरी रहेगा 1 और 7 × 3 = 21 और
वन कैरी वाला, तो ये होगा 22, मतलब माइनस 10 और माइनस 225। इसको हम सॉल्व करें तो दोनों नंबर निगेटिव है, तो निगेटिव रह जाएगा नंबर और दोनों को ऐड करना होगा, 235 हो जाएगा ये, 225 प्लस 10 235, और ये जो है बाहर वाला ये 2 और 76 ये कट जाएगा, 38 2 जा होता है 76। अब यहाँ इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने का काम रह गया, तो करते हैं मल्टीप्लाई, 235 इंटू 38, तो पहले 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 5 जा 40 कैरी रह गया 4, और 8 3 जा 24 और 4 कैरी वाला ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा, तो 8 लिख दिया, 2 रख दिया कैरी में, और 8 2 जा 16 और 2 कैरी वाला तो 18 हो गया। अब 3 से करें इन नंबर्स को मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा 15 कैरी 1 और 3 3 जा 9 और 1 कैरी वाला 10 का 0 लिख दिया हमने और 1 कैरी में रख लिया, तो ये 3 2 जा 6 और 1 कैरी वाला 7। अब इसको ऐड करना है तो 0 8 5 13 कैरी रहेगा 1, 8 एक 9 कैरी है नहीं, 7 एक 8, इसका मतलब हो गया 8930। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना मिलेगा, 8930, ये माइनस का साइन है इसलिए हमने माइनस रखा ही, यही हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल सा काम। अब एक बार सभी क्वेश्चन को हमने ए प्लस एल वाला फार्मूला से भी किया है, तो आखिर में ये पार्ट है तो इसको क्यों छोड़ दो, उसको भी लगा देते हैं एक बार। तो ये एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, एन की वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है 76 है, ए की वैल्यू माइनस 5 और एल की वैल्यू माइनस 230। तो माइनस 5 और इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस 230 रह जाएगा, तो ये दे देगा माइनस 235। अब ये हो गया 76 बाई 2 38 और ब्रैकेट के अंदर माइनस 235 है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। देखो ये इसको मल्टीप्लाई करने से हमें पता है कि क्या मिलेगा, माइनस 8930, यही हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल सा केस है। और आपको बस ये करना है कि फार्मूला याद करना है, आप बार बार एक दो बार फार्मूला लिख के भी देखोगे तो याद हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल सिंपल सा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 2 में 3 ही पार्ट्स थे।